अरे अनिश भाई, क्या कर रहे हो आप? यार वेट चेक कर रहा हूँ यार। वेट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है भाई। कितना वेट है बताओ सही? देखो देखो यार, एटी एटी फोर फोर पॉइंट क्या थ्री हो गया? फाइव टमी भी बाहर आ गई अरे तुम्हारी? हाँ यार बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। अब ये कि वेट को लूज करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। क्या किया जाए बताओ तो सही। क्या करें, मतलब डाइट वगैरह करो यार, मतलब खाने पीने को कंट्रोल करो। रोज रोज आप हर बार वीडियो डाल लो खाने पीने की। अरे यार खाने पीने, अब देखो व्लॉगिंग करनी है तो आप वीडियो भी डालनी है और थोड़ा बहुत चखना भी है यार, क्या कर सकते हैं। हाँ ये तो है। हाँ तो बस बारह लिए गए, इंशाल्लाह करेंगे। कोई सजेशन दो क्या करें, वॉक करें या जिम जाए, चलो बताते हैं फिर जिससे आपको। फास्ट ट्रैक में जो है ये कम हो। ठीक है, बता देंगे आपको कुछ ना कुछ। बताओ यार, कुछ काफी परेशान कर दिया यार इस वेट ने। तो चलो खाने पीने यार पे थोड़ा कंट्रोल रखो ना, मतलब बस करेंगे यार। यहाँ अलग खा आपसे रहे हो, बेगम की गुजर आती गए है अलग खा रहे हो। बिचारी, गुजर की न्यारी, तो बस क्या करें यार। आप बताओ, करते हैं बस कुछ ना कुछ, करते हैं यार कोई ना कोई हल निकाल लेंगे चलो इंशाल्लाह। चलो ठीक है। ठीक है, नाश्ता भी लग चुका है और नाश्ता भी फुल डाइट है, ब्रेड है और साथ में चाय है, क्योंकि भाई वेट को लूज करना है तो डाइट तो करनी है। तो बहरहाल ये है कि अब नाश्ते पे बैठे हैं, मैं व्लॉग को भी यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद है खैर खैरियत ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज जो है वो वेट का कुछ ना कुछ तो करना है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो उसको खत्म करना है, कम करना है। और आज जो है इंशाल्लाह ताला जिम ज्वाइन करेंगे, लाजमी करेंगे। तो फिलहाल ये कि नाश्ता कर लेते हैं। वैसे ये है कि छुट्टी का वक्त हो गया है, अब निकलते हैं घर पर और ये है कि तैयारी करते हैं, क्योंकि फौरन पहुंचना है जिम में। तो ये है कि पहुंचते हैं, यहाँ से देखें निकले, अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं हुआ तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहुंचते हैं घर। तो गाइस जिम में एंटर हो चुके हैं और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ज्वाइन कर लिया क्योंकि वेट जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। अब जाहिर सी बात है बाहर के जो जंक फूड वगैरह और दावतें वगैरह, शायद व्लॉग वगैरह बनाना है तो ये सब चीज़ें तो देखनी पड़ेगी। उसके साथ जो है वर्कआउट भी करना पड़ेगा, फिटनेस भी रखनी पड़ेगी। अगर जिम नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है डे बाई डे वेट जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो फिलहाल ये है कि आखिर जिम ज्वाइन कर लिया, अब ये कि वेट को गिराएंगे इंशाल्लाह ताला और बैलेंस रख के चलेंगे। खाएंगे तो एक्सरसाइज भी होगी, तो ये है कि बैलेंस रहेगा इंशाल्लाह ताला। कुछ टाइम, एक दो महीने के टाइम का गैप है, अच्छा खासा वजन जो है वो डिक्रीज करेंगे और ये है कि फिटनेस भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो वेट अभी जो है तकरीबन 83 के करीब है, 84 था वो। जाहिर सी बात है मोबाइल वगैरह ये सब रख के वेट किया जाता है तो वेट ज़्यादा होता है। तो बहरहाल ये है कि 83 है, तो इंशाल्लाह ताला टारगेट है 65 या 70 का, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये है कि फर्स्ट डे स्टार्ट है, अब जिम भी जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और यहीं पर हम व्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल ये है कि मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।